कोरोना महामारी के कारण अभी देश भर में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। जो भी क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। इसी बीच अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या 1 सितंबर 2020 से देश के सभी स्कूल और कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 से देश के सभी स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया गया है और इसके लिए हवाला दिया जा रहा है कि सरकार ने इस पर लगभग सहमति बना ली है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला था कि देश के ज्यादातर अभिभावक नहीं चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज को फिलहाल खोला जाए। सर्वे में सिर्फ 33% अभिभावकों ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर सहमति जताई थी। सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर को शेयर किया जा रहा है जिसकी हेडलाइन है 1 सितंबर से पूरे देश में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। कुछ लोग इस खबर को सही मान रहे हैं, वहीं कुछ इसकी सच्चाई को लेकर असमंजस में है। दरअसल सरकार ने जो फैसला लिया था उसके मुताबिक 31 सितंबर 2020 तक देश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। अब 1 सितंबर से क्या कुछ स्थिति होगी इसे लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 से स्कूल को खोलने का फैसला लिया जा चुका है। ऐसे में हमने इन दावों की पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई ऐसा कोई फैसला सरकार ने लिया है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि यह दावा भ्रामक है। भारत सरकार के सूचना विभाग यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक सरकार ने अभी तक स्कूल कॉलेज खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है। पीआईबी ने 11 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए इस दावे का खंडन भी किया था। पीआईबी ने अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि एक अखबार ने दावा किया है कि सरकार ने 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने जा रही है। ऐसा कोई भी निर्णय सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। सरकार ने 31 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया था। 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं इस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर जो है वो जारी है। सरकार की ओर से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज को खोले जाएंगे। यानी कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से
आखिर कब खुलेंगे स्कूल, ये सवाल अब डर में बदल गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सितंबर से लेकर नवंबर महीने के बीच बड़ी क्लासेस के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएं। वहीं अभिभावकों को अभी कोई जल्दी नहीं है। उनका कहना है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क वेयरिंग जैसे नॉर्म्स कैसे फॉलो किए जाएंगे, इस पर कोई एसओपी अभी जारी नहीं किया गया है। जबकि फाइनल डिसीजन राज्य सरकारों पर होगा। दिल्ली ने कहा है कि क्योंकि केसेस कम हैं, वो अब इस बारे में नहीं सोचना चाहते क्योंकि केसेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन कर्नाटक ने साफ मना कर दिया है। तो अब राज्य सरकारों को डिसाइड करना होगा कि स्कूल आखिर कब खुलेंगे।